हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे कुछ ने क्वेश्चन किया है कि जो स्नैक का वेनम होता है, जो स्नैक का जो सांप का विष होता है, वो हमारी बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो स्नैक के वेनम होते हैं वो कई तरह के होते हैं और उनका इफेक्ट भी अलग अलग तरह का होता है। स्नैक में जो विषदंत जिसको कहते हैं, फैंग जिसको कहते हैं, वो ऊपर की तरफ पाया जाता है, उसके मुंह में जबड़े में ऊपर की तरफ पाया जाता है और वो जुड़ा हुआ होता है वेनम ग्लैंड से। तो जब स्नैक बाइट करता है तो जब उसका हेड की जो मसल्स हैं वो जब दबती हैं तो वो उस वेनम ग्लैंड को उसको दबाती हैं, तो उससे जो वेनम होता है उस फैंग में उस विषदंत में आता है और वो जो जिसको बाइट करता है फिर वो उसके अंदर इंजेक्ट होता है। ये बिल्कुल हाइपोडर्मिक नीडल की तरह काम करता है। ये उसका जो फैंग होता है, उसके जो विषदंत होते हैं, ये एक हाइपोडर्मिक नीडल की तरह काम करते हैं कि उससे उसके जो उनका प्रे होता है जिसको वो बाइट करते हैं उसकी बॉडी में वो वेनम को इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये वेनम मोस्टली तो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है न्यूरोटॉक्सिक, एक होता है हीमोटॉक्सिक। जो हीमोटॉक्सिक होता है वो नाम से जैसे कि पता चलता है कि उसका असर, उसका इफेक्ट ब्लड पर होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन पर होता है। तो वो ब्लड को जब उसका इफेक्ट ब्लड पर इस तरह से होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट करने लगता है और जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लॉकेज होने लगती है और फिर धीरे धीरे करके क्या होता है कि फिर हार्ट अटैक होता है और फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये काफ़ी पेनफुल भी होता है, जो ये हीमोटॉक्सिक का इफेक्ट होता है, ये इसमें काफ़ी पेन होता है, पेशेंट को काफ़ी पेनफुल होता है। और इसका इफेक्ट अगर दूसरे वेनम की बात की जाए, जैसे ये हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक, ये दो वेनम मोस्टली कॉमन है स्नैक में। ये इस तरह के स्नैक ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कोबरा है तो कोबरा में न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, वाइपर की बात करें तो उसमें हीमोटॉक्सिक वेनम होता है। तो हीमोटॉक्सिक वेनम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम के कंपेरिजन में, लेकिन जो हीमोटॉक्सिक वेनम है ये पेनफुल बहुत होता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड धीरे धीरे क्लॉट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड जमने लगेगा तो फिर वो ब्लड वेसल्स में उसका फ्लो नहीं बन पाता, वो बह नहीं पाता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो ब्लॉकेज होने लगती है और फिर हार्ट अटैक हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस रहता है, इसलिए अगर टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट के बचने के भी चांसेस रहते हैं। अब इससे कंपेयर करें अगर हम न्यूरोटॉक्सिक को, तो न्यूरोटॉक्सिक किस पर इफेक्ट डालता है? वो नर्व पर इफेक्ट डालता है। जब नर्व पर इफेक्ट डालता है तो वो उतना पेनफुल नहीं होता, क्योंकि उसमें पेशेंट पैरालाइज महसूस करने लगता है। और हीमोटॉक्सिन में होता है कि ब्लड पर उस पर उसका इफेक्ट डालता है तो उसमें पेशेंट पैरालाइज नहीं फील करता, वो पेन फील करता है पूरा। इसका जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है इसका असर नर्व पर होता है और इसका असर हीमोटॉक्सिन के कंपेरिजन में थोड़ा फास्ट होता है। हीमोटॉक्सिक के कंपेरिजन में न्यूरोटॉक्सिक जो वेनम होता है वो फास्ट होता है। तो ये दो वेनम, जो न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक, इसका इफेक्ट आपको पता चला। इसके अलावा प्रोटोलिटिक वेनम होता है जिसका इफेक्ट की टिश्यूज पर होता है और ये प्रोटोलिटिक एंजाइम की वजह से इसका इस तरह से नाम पड़ा, प्रोटोलिटिक वेनम। तो इसका इफेक्ट पड़ता है, इस टॉक्सिक का इफेक्ट टिश्यूज पर पड़ता है और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको भी डैमेज करने लगता है, उन टिश्यूज को भी ब्रेक करने लगता है। तो इस तरह से इसका बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है और फिर जो ब्लड होता है, जब उसके वेसल्स हैं वो उनका वो ब्रेक हो जाएंगे तो फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में फैलने लगता है। और एक और साइटोटॉक्सिक वेनम होता है, साइटोटॉक्सिक वेनम जो होता है वो उसका असर जैसा कि नाम से पता चलता है सेल्स पर पड़ता है और उस सेल्स को डैमेज करने लगता है। तो ये फोर टाइप के जो वेनम हैं ये मोस्टली ये कॉमन है, इसके अलावा भी वेनम्स होते हैं, लेकिन ये फोर टाइप के जो वेनम्स हैं उनका इफेक्ट क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि न्यूरोटॉक्सिक जो वेनम होता है उसका नर्व पर हमारे असर पड़ेगा, हीमोटॉक्सिक जो होता है उसका असर पड़ेगा हमारे ब्लड पर, ब्लड सेल्स पर पड़ेगा, साइटोटॉक्सिक होगा सेल पर असर पड़ेगा, और प्रोटोलिटिक होगा तो उसका हमारे जो टिश्यूज होते हैं, जो मस्कुलर टिश्यूज हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे फिर पेशेंट की इन सब वेनम से
डेथ हो जाती है अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट टाइमली न किया जाए तो, और अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो तो फिर पेशेंट की जान बच सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो स्नेक का वेनम होता है वो हमारी बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट डालता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।